वाले लेके गए, झगड़ा जब हुई हम लोग कोई गलती नहीं थी, हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग को लेके वहाँ से गए हैं और रास्ते में मारते हुए लेके गए हैं। भैया भैया के मार के चलो वहाँ से मत मारो, वहाँ जाके हम लोग बैठे हैं, हम लोग को पानी वो उसके सीने में कलेजे में दर्द हो रहा था, पानी आगे तक पी नहीं लिया, आगे तक बैठा इसको अलग बैठा थे, उसकी चाची पानी लेके जा रही थी उसको, इन लोग को गाली देके भगा दिया, झूठ बोल रहा है, दारू और लगातार मारते हुए लेके क्या हुआ कर रहा था वहाँ पे, क्या हुआ हम लोग वैसे जा रहे थे वहाँ फोन बात करने के लिए, हम लोग वो लड़का फोन पे बात करने के लिए, लड़का कुछ नहीं किया था, झूठ लाइट गई उससे मुंह पे, कपल लोग के मुंह पे लाइट गई, तो लोग बात करने लगे, पुलिस वाले के बीच में मुझे मारा उसने, पुलिस वाले मेरी कोई शक्ति नहीं की, कोई भी शक्ति नहीं की, मैंने खुद की अपनी शक्ति किया, सही था उसको गलत सुनने में फैन बन करके दो लोग बेचारा खत्म होगा तो बोलते बाहर लेके जाए, गाड़ी में आग लगा पेट्रोल डीजल मुझसे लेके आया, फिर बाहर की गाड़ी से बाहर की गाड़ी से छोड़ा होगा मुझसे, एक बार भी नहीं पूछे वो बंदा, कहते कहते इंस्पायर हो गया लेकिन उससे भी नहीं पूछे, उसकी बात भी नहीं सुने, पानी भी नहीं दिया, पानी नहीं दिया, और ऊपर से मारे पुलिस, ऊपर से पुलिस लोग मारे, मारे कैसा न्याय करते पुलिस लोग, थोड़ा पीछे खड़ा रहो, थोड़ा सामने, एक सेकंड, आप लोगों से सिर्फ इतना ही आग्रह है, साहब क्या बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए और उस पर आप लोग विश्वास करिए, क्योंकि वो हम लोगों के पूरे जानकारी हैं, कोई भी कोई सवाल नहीं करना है, डीसी साहब जो बोल रहे हैं उसको आप सुन लीजिए, उसको ये मान के चलिए वो 100% सच है, सच है, हो गया है, वही इतना ही। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग के संयम के लिए जो है आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारी चर्चा हुई परिवार के सदस्यों के साथ भी चर्चा हुई, और उसके बाद जो इंक्वायरी रिपोर्ट, क्योंकि जो भी कोई निर्णय लेना पड़ता है उसमें एक इंक्वायरी करनी पड़ती है, इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पे एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 कर्मचारी जो उस समय मौजूद थे उनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई अभी फिलहाल की जा रही है, साथ ही जो बाकी भी परिवार की कुछ रिक्वेस्ट थी पोस्टमार्टम इत्यादि को लेकर वो भी हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों की आपसे विनती है, क्योंकि ये सारी चीज़ों में इसके बाद की जो प्रक्रिया है और डेड बॉडी का सम्मान करते हुए हमको जो थोड़ा सा समय दिया जाए उस चीज़ को सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, ये केस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेट हो, इसके लिए जो है इसको क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है, ताकि इसमें लोकल पुलिस स्टेशन या लोकल हायरार्की का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे, और ये सारा मानवाधिकार आयोग के जो भी गाइडलाइन है इस तरह की कस्टडियल डेथ के अंदर पे जो किए जाते हैं उसके आधार पे किया जा रहा है, तो मेरी आप सब लोग से विनती है कि अब आप लोग जो है शांति से जो दुखी परिवार है उसके साथ उसके जो दुख में शामिल हों और साथ में शांतता बना के इस सारे प्रक्रिया में, ताकि जो अंत विधि है वो शांतिपूर्वक हो पाए, आप सब लोगों से जो है ये विनती है कि आप लोग इसमें सहकार करें। सर वो एक स्टेटमेंट दीजिए कि वो लड़का लड़की के खिलाफ जो है, नहीं वो जो FIR आप दे रहे हैं वो जो भी लीगल पद्धति के हिसाब से FIR देने की जो प्रक्रिया है वो ली जा रही है, उसके हिसाब से उचित कार्रवाई की। सर क्वेश्चन था, मैंने बोला क्वेश्चन हमने, प्लीज।